अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, ये जो मैं वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, इसमें मैं आपके लिए बेस्ट वे शो करूँगा शारजा से दुबई जाते हुए। ठीक है, तो आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले अगर आप रोला से मूव करना चाहते हो दुबई। और ये जो आपको अभी बस नज़र आ रही है ना, ये E307, ये आपको मेट्रो स्टेशन पर ले कर जाएगी। ठीक है, अगर आप ये बस पकड़ोगे तो आप इधर से, ये देखो आपको बस मिली, ये इधर जबेल जो मेट्रो स्टेशन, जबेल बस स्टैंड है ना जो शारजा का, उधर से ये बस स्टार्ट होती है। ठीक है, और इधर से ये जो एरिया है ना मजाज का एरिया, जो राइट साइड वाला मजाज का एरिया, ये देखें, ये साइन बोर्ड पे लिखा आ रहा है, और लेफ्ट साइड वाला कासमिया का एरिया है, और उसके आगे अबू शिगारा का एरिया है। अगर आप इस एरिया से दुबई मूव करना चाहते हो बाय बस या कार, तो कैसे आप मूव करोगे? ठीक है, ये जो अभी जिस रोड पे जा रहे हैं इसका नाम है किंग फैसल रोड। ठीक है, किंग फैसल रोड से आपको दुबई के लिए बस मिल जाती है। बस का नंबर 3-4 बसें जाती हैं, और ये आपको जो अबू हिल मेट्रो स्टेशन है ना उधर लेके जाएगी, उधर उतारेगी, और इसका पहले 10 दरहम होता था रेंट। अभी का हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन 10 था, 10 दरहम आपको देने पड़ते थे। और ये अगर आप जो दो बसें जाती हैं इधर से ना, एक शारजा बाउंड होती हैं और शारजा की बसेज है, और दूसरा दुबई की होती हैं। तो अगर आप दुबई वाली में जाएं तो आपको वो कार्ड लोना ज़रूरी है, नोल कार्ड, क्योंकि वो टैप करना होता है आपने। और अगर आप शारजा वाली पर जाएँगे तो उसके लिए, ये देखें, ये भी बस स्टैंड आ गया 575, इधर से भी आपको ये सेम बस मिलेगी। और अगर आप शारजा वाली पे जाएंगे तो उधर कैश पेमेंट भी चल जाती है, शारजा वाली का कार्ड भी होता है और कैश भी वो ड्राइवर ले लेता है। लेकिन जो दुबई वाली है उसमें आपको सिर्फ नोल कार्ड से ही टैप करना पड़ता है। अब ये देखें, आपने ये एग्ज़िट लेना है मजाज अल खान दुबई वाला। ठीक है, S112 जो रोड है इससे, अब आपने ये एग्ज़िट पकड़ा मजाज से निकलते हुए, बस भी इधर से ही एग्ज़िट लेगी। तो ये एग्ज़िट अब मर्ज हो रहा है जो E11 है शारजा में, जिसको वाहदा रोड भी बोलते हैं, और ये E11 है जो सारी स्टेट को कनेक्ट करता है UAE की। ठीक है, इधर से ये सिटी सेंटर है जो लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है, ये इधर फिर बस स्टैंड आपको मिलेगा, बस स्टॉप मिलेगा, सॉरी स्टैंड नहीं, स्टॉप मिलेगा। तो इधर से भी आप ये जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है ना 70 जिसका नंबर लिखा हुआ है, ये देखें, ये बस भी दुबई आपको लेके जाएगी, ये दुबई जा रही है। तो इधर से भी आप बस पकड़ सकते हैं, ये जितने भी पॉइंट हैं इधर से आप सबको बस मिलेगी, और आप इसको यूज़ करते हुए दुबई जा सकते हैं। अगर आप इधर से टैक्सी भी पकड़ते हैं तो वो भी बेस्ट है, टैक्सी मतलब आपका 30 दरहम के करीब आएगा, 30-40 दरहम के करीब, और आपको वो मेट्रो ले जाएगी। और आपने इधर से अगर जाना है, अपनी सवारी नहीं है आपके पास, कार नहीं है, तो वो बेस्ट है कि आप मेट्रो यूज़ करो। फिर दुबई में आप उस जगह पर जाओ जिधर आपको मेट्रो मिल जाए, क्योंकि वैसे टैक्सी बहुत कॉस्टली है और बस पर तो आप ट्रैफिक में फंसे रहोगे। तो आपकी कोशिश हो कि मैं बस पकड़ूं या आप टैक्सी पकड़ो और फौरन आप पहुंच जाओ मेट्रो। मेट्रो इधर पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो अल नहदा स्टॉप उधर जाओ, स्टेडियम स्टॉप उधर जाओ, क्योंकि ये डिफरेंट बसेस होती हैं, इनका डिफरेंट रूट होता है, वो चेक कर लो। अबू हिल के लिए जाती हैं, तो जिस एरिया में आपने जाना है वो वाली बस पकड़ो और उस वाले मेट्रो स्टेशन पर उतरो, ये बसें आपको ग्रीन लाइन मेट्रो स्टेशन पे छोड़ देंगी। तो जैसे ही आप ग्रीन लाइन पकड़ोगे उसके बाद आप पूरे दुबई में जिधर मर्जी मूव कर सकते हो इजीली। उसके बाद दुबई में फीडर बसेस भी हैं मेट्रो के लिए, जो वो फ्री हैं, आप उनको यूज़ भी फ्री कर सकते हो। उनका नंबर F से स्टार्ट होता है, आप अपने स्टेशन से उतरो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बिजनेस बे जाना है, बिजनेस बे मेट्रो स्टेशन रेड लाइन पर है, उधर तो आप उतर गए। अब उसके अलावा आपने अंदर जाना है बिजनेस बे के एरिया में किसी बिल्डिंग में, तो आप वॉक तो नहीं कर सकते इतनी गर्मी में,
उधर F1 बस आपको मिलेगी मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल साथ ही, तो आप उसमें बैठो, वो आपको फ्री लेके जाएगी। उसका रूट होगा, वो हर बस में रूट लिखा होता है कि ये इस बिल्डिंग में जाएगी, इसमें जाएगी, स्टॉप में जाएगी। तो आपका जो नियरेस्ट पॉइंट है वो चूज़ करो और आप पहुंच जाओ। अभी ये जो आपको राइट साइड पे एरिया नज़र आ रहा है ये टाउन का है, और ये जो लेफ्ट साइड पे है ये नाहदा का शारजा वाला एरिया है। अच्छा, तो वो मैं बस के बारे में बता रहा था कि उस पे वो रूट रूट बनाता है। एक और एप्लीकेशन है S-Hail, वो भी आपको पूरी जर्नी बता देती है कि आपने इस जगह से ये बस नंबर पकड़ना है, ये मेट्रो पकड़नी है, इस स्टॉप से उतर के ये बस पकड़नी है, और आप अपनी लोकेशन पे इतना आपको वॉक करना पड़ेगा। ये है, डाटा के साथ चलती है। एक और एप्लीकेशन है 2GS, जो 2GS है वो डाटा के बिना चलती है, वो भी आपको सेम चीज़ बताती है कि आपने यहाँ से यहाँ तक वॉक करना है, उधर से आपको ये बस मिलेगी, उस बस में बैठ के आपने इस मेट्रो स्टॉप पे जाना है, उधर से आपने मेट्रो ग्रीन लाइन पकड़नी है, ग्रीन लाइन के बाद आपने रेड लाइन पकड़नी है। वो पूरी आपको जर्नी प्लान करके दे देती है। तो अगर आप न्यू हैं दुबई में और आप मूव करना चाहते हैं तो वो बेस्ट होगी आपके लिए एप्लीकेशन। और शारजा से देखें, मैं रोला में था, अब ट्रैफिक नहीं है, आज सैटरडे है तो सैटरडे में ट्रैफिक नहीं होती क्योंकि छुट्टियां होती हैं काफ़ी ज़्यादा कंपनी की, तो इस वजह से नॉर्मल ट्रैफिक, और मैं बहुत स्लो स्पीड में जा रहा हूँ, रोड की स्पीड से भी मैं 10-15 किलोमीटर कम ही स्पीड में जा रहा हूँ। तो तकरीबन मुझे देखें 6 मिनट लगे हैं और अब मैं दुबई में एंटर हो गया हूँ। ये जो पीछे वाला ब्रिज आप अभी गुजरे हैं ये शारजा और दुबई की बाउंड्री है। ये देखें, ये पहला मंजर का सालक आ गया, टोल गेट। सालक जो है ये जिस तरह पाकिस्तान इंडिया में टोल प्लाजा होता है उसी तरह का दुबई का ये टोल प्लाजा है, और इसमें ये अकाउंट बना होता है जिस तरह मोबाइल का अकाउंट होता है ना, बंदे का मोबाइल की सिम कार्ड होता है, तो हम रिचार्ज करते हैं और फिर उसको हम यूज़ करते हैं। सेम ही आपने इसको रिचार्ज करना होता है और आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होते रहते हैं। अभी ये मैं गुजरा हूँ तो 4 दरहम मेरे अकाउंट से कट हो जाएंगे। अभी तक इसकी फ़ी 4 दरहम है, बाद का पता नहीं फ्यूचर में कितनी होती है। तो ये जो अभी एरिया नज़र आ रहा है आपको, ये अल नाहदा का दुबई का एरिया है और ये दुबई का रोड है। अब हम दुबई में हैं। इस रोड की स्पीड लिमिट 100 है, 20 का मार्जिन डाल के 120 तक आप ड्राइव कर सकते हो। तो ये देखें जी, अब हम दुबई में एंटर हो गए सिर्फ 7 मिनट में, और अगर आप बस पे आते हैं तो वो भी आपको तकरीबन 8-10 मिनट में ले आएगी। अब ये देखें, ये सामने आपको, ये मैं अंडर पास में जाऊंगा लेकिन सामने आपको दुबई मेट्रो ग्रीन लाइन का ब्रिज नज़र आ रहा है। अगर आप बस पे आते हैं तो वो सामने, ये देखो वो एक बस स्टॉप है, सॉरी मेट्रो स्टॉप है, ये जो आपको सामने मेरे एक वीडियो में नज़र आ रहा होगा, इस पे आप उतरे, ये वो बस भी आपको नज़र आ रही होगी राइट साइड पे खड़ी, वो बस भी जा रही है। ठीक है, अगर आपने इस एरिया में जाना है तो अबू हेल में जाएं, और अगर आपने इतिसलात वाली साइड पे जाना है तो आप इधर से वो बस पकड़ें जो आपको स्टेडियम अलनादा वाले स्टॉप पे उतारे, और अगर आपने इधर देरा जाना है, बुरजमान जाना है, तो आप वो वाली बस पकड़ें जो आपको अबू हेल मेट्रो स्टेशन पे उतारे, क्योंकि आपका वो टाइम सेव हो जाएगा। वरना आप अगर गलत स्टॉप पे जाओगे तो फिर आपको वो स्टेशन सारे दोबारा ट्रैवल करने पड़ेंगे। अब ये देखें, ये जो बस आपको नज़र आ रही है ये राइट साइड पे, ये बस, ये इंटरसिटी बस है और ये लोगों को लेके जा रही होगी किसी, हो सकता है ये एयरपोर्ट के लिए बस हो, क्योंकि इन्होंने अभी शारजा से दुबई, दुबई से शारजा एयरपोर्ट की बसेस की सर्विस भी स्टार्ट की हुई है। तो ये देखें, तकरीबन हमें 9 मिनट लगे हैं रोला जो मेन शारजा का मार्केट है, जिसको हार्ट ऑफ शारजा भी कहते हैं, और सऊदी मस्जिद में तकरीबन उस जगह से वीडियो बनाना स्टार्ट की थी। तो अब ये देखें, मेरे लेफ्ट साइड पे दुबई एयरपोर्ट आ गया है। ठीक है, टर्मिनल 1, 2, 3 वो इधर मेरी लेफ्ट साइड पे अभी। ठीक है, और ये जो एरिया पोर्ट कासम का एरिया, ये मेरी राइट साइड पे, ये आपको कुछ हो सकता है वीडियो में नज़र आ भी रहा हो एयरपोर्ट का एरिया, और जो राइट साइड पे है ये पोर्ट सईद है, और इसको देरा भी बोलते हैं, ये देरा का है। ठीक है, तो रोला से देरा आप 10 मिनट में पहुंच सकते हैं अगर ट्रैफिक ना हो तो, और आपको एक सालक लगेगा जिसके 4 दरहम है, सिर्फ 10 मिनट में, विद इन 10 मिनट यू विल रीच फ्रॉम रोला टू देरा।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं कि इसमें किस चीज़ को अप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने न्यू न्यू व्लॉगिंग शुरू की है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए शुक्रिया।